हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। उपमंडल पामटा साहिब के बहराल गांव में स्थित श्री दूधलेश्वर गौ सेवा एवं अध्यात्म उन्नति केंद्र में भक्तों द्वारा फूलों की होली खेली गई। यहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल आदि क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे तथा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। फूलों की होली के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदिर के अध्यक्ष दीपक पुंडीर ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां पर होली के पावन अवसर पर फूलों की होली का आयोजन किया गया तथा भक्तों से निवेदन किया गया था कि वे केवल फूलों की ही होली खेलें। पुंडीर ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मंदिर में असहाय गौवंश की सेवा की जा रही है तथा क्षेत्र में घूम रही बेसहारा गौवंश को यहाँ पर लाकर उनका पालन किया जा रहा है। वर्षों की भांति इस वर्ष भी होली से पहले यहाँ दूधलेश्वर गौ सेवा संस्थान के सभी लोग मिलकर के फूलों की होली का आयोजन करते हैं और ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। ये छोटा मथुरा वृंदावन बनाया हुआ है, ये गौशाला हमारी बहराल में उपस्थित है और यहाँ पर हम इसे छोटा मथुरा वृंदावन से मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंजॉय हम कहीं नहीं कर सकते। कुल सब में मस्त हो जाते हैं, छोटे में छोटे और बड़ों में बड़े, तो बिल्कुल वृंदावन धाम बना हुआ है यहाँ। सभी ने नेचुरल कलों के साथ, फूलों के साथ और चंदन के साथ इस त्यौहार को बड़ी ही खुशी के साथ मनाया और आपस में भाईचारे को जगाया कि हम सब को किसी भी प्रकार का त्यौहार हो उसको मिलजुल कर मनाना। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पामटा से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।